19मू में खत्म हुआ एक गेम है, प्लेयर अच्छे है, एक सफेद का जॉर्डन 2452 रेटिंग है, कॉट ब्लैक 2020 रेटिंग है, और ये स्पर्धा हुई थी एडोल्फ एंडरसन मेमोरियल स्पर्धा, 2018 में खेला हुआ गेम है। तो इंग्लिश ओपनिंग से स्टार्ट किया, C4 ने G6 खेला, G3, दोनों क्या करते हैं फियान चेटो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिशप टू बिशप फियान चेटो किया, यहाँ पे इसने फियान चेटो किया बिशप, नाइट F6, नाइट C3 और इसने कैसल किया। अब कैसल से कंप्यूटर सजेस्ट करता है कि अच्छी मूव है कि पॉन टू C5, और इसे ये पॉन को ऑब्स्ट्रक्ट होता है, पॉन को आगे जाने को चांस नहीं मिलता है। इनफैक्ट इंग्लिश ओपनिंग में नॉर्मली जो है वो C5 पहले खेलते हैं, C5 खेलते हैं या नाइट टू C6 खेलते हैं, या नाइट यहाँ से निकालते हैं। तो इसने यहाँ पे उसकी लेफ्ट साइड पे खेलना पसंद किया, यहाँ यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, कैसल के लिए पोजीशन रेडी है, लेकिन कैसल करना अभी अत्यावश्यक नहीं था। यहाँ पे किया D3 C6 बिशप टू G5, यहाँ पे भी अभी कंप्यूटर का एडवाइस इसको था कि नाइट को F3 पे लेना चाहिए था और कैसल के लिए इसको रेडी करना चाहिए था। तो जो प्रिंसिपल है ओपनिंग का कि जितना जल्दी हो सके उतना कैसल करना चाहिए जल्दी, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी देखनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी कैसल करके भी हम लोग खतरे में पड़ जाते हैं। तो बिशप टू G5 लिया, कुछ फायदा नहीं, यहाँ पे ये पिन नहीं हो रहा है नाइट, ये पॉन बीच में है ना, तो इसने पॉन से थ्रेट दिया H6, बिशप D2 के ऊपर वापस D5, क्वीन टू C1, हाँ क्वीन टू C1 करके इसने इसकी बैटरी बनाई था कि पॉन को कैप्चर कर सके, पॉन को कैप्चर करके फिर बिशप से मार दिया तो बिशप को भी कैप्चर हो जाएगा, पॉन एक ज़्यादा मिलेगा, किंग से इसने प्रोटेक्ट किया, H4 खेला इसने, अभी भी कंप्यूटर सजेस्ट करता है कि नाइट खेलना चाहिए था, ठीक है आखिर पान सफेद ने जीता है। H4 D क्रॉस C4, D क्रॉस C4, अभी D क्रॉस C4 भी इसने किया, लेकिन कंप्यूटर सजेस्ट करता है कि पान ऊपर लेना चाहिए D4 के ऊपर, इसको लॉक करना चाहिए इसी जगह के ऊपर, हाँ उसके कई एडवांटेज मिल सकते हैं, पोजीशन लॉक हो जाता है। D क्रॉस C4 Bishop E6 करके ये पॉन को थ्रेटन किया, H6 Nh2 G8, अभी Nh2 G8 लेने से नाइट से इसको मार देना तो अच्छा रहता ना, फिर रुक से ये मारता तो पॉन से रुक को मार सकता था, मतलब मारेगा नहीं वो जनरली, तो ये पॉन कैप्चर करना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों वापस लिया समझ में नहीं आता। Nh2 G8 H क्रॉस G6 F क्रॉस G6 Nh4 Bf5 नाइट को थ्रेटन किया, नाइट सीधा G5 पे लेके चेक दिया, परफेक्ट चेक है क्योंकि पॉन जो है ये पिन है, हाँ रुक से तो पॉन से इसको नहीं मार सकते हैं। तो किंग H8 पे लिया, नाइट F3 नाइट D7 बिशप टू C3, अभी बिशप टू C3 से अच्छी मूव थी कि नाइट को H4 पे खेलता, अभी देखते हैं नाइट को H4 पे अगर खेलता वो तो ये जो ऊपर का नाइट है इसको मार नहीं सकता है पॉन से, क्यों मार नहीं सकता है, मेट ही हो जाता है, H क्रॉस G5 इसने किया तो Nh क्रॉस G6 करके ये डबल चेक है किंग को और मेट हो गया, मेट होता था मतलब मेटिंग सिचुएशन थी, तो नाइट वहाँ पे लेना अच्छा था। हाँ इसने बिशप खेला C3 के ऊपर, Nh2 D6, हाँ Nh2 D6 से ये पॉन ये बिशप के ऊपर थ्रेड है, एक्चुअली किंग है प्रोटेक्शन के लिए लेकिन थ्रेड है,
लेकिन वो बचाना चाहता है, तो बचाने के लिए पॉन बीच में लेना अच्छा था। हाँ, क्योंकि पॉन को डबल सपोर्ट, नाइट को भी डबल सपोर्ट आता है, रुक का आता है, बिशप का आता है, तो पॉन लेना अच्छा है ऐसे कॉम्प्यूटर समझता है। तो नाइट टू F6 लिया, अभी इसने E4 खेला और बिशप को थ्रेटन किया, बिशप G4 के ऊपर लिया, इसने नाइट टू E5 खेला और क्वीन टू B6 इसने खेला, गलत मूव हो गया एकदम, क्योंकि क्वीन B6 लेने से चेकमेट हो जाता है। कैसे होता है, क्वीन टू B6 ले लिया, अभी देखो आप कैसे चेकमेट हो रहा है, नाइट क्रॉस G6 करके ये चेकमेट हो गया, चेकमेट हो गया, गेम फिनिश हो गया। उससे अच्छा था कि वो क्वीन यहाँ पे लेता, क्वीन E8 पे लेता, तो अगर ये नाइट से ये पॉन मारता है तो क्वीन से मार देता था और मेट बचती थी, गेम आगे चालू रहता था, तो गेम आगे नहीं चला। तो ये ऐसा गेम है, देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहिए।